नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए। भगवान श्री राम ने महाराजा दशरथ और माता कौशल्या के घर जन्म लिया। उनके अलावा भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न ने उनके अनुज के रूप में जन्म लिया। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद भगवान के निर्धारित किए विधान को मानते हुए सरयू नदी में जल समाधि लेने के बाद वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। क्या आप जानते हैं कि सदियां बीत जाने के बाद आज भी भगवान श्री राम व उनके भाइयों के वंशज इस धरती पर आज भी हमारे मध्य मौजूद हैं। भगवान राम व अन्य भाइयों के परिवार की जानकारी। भगवान श्री राम व माता सीता के परिवार में जुड़वां बेटे लव व कुश का जन्म हुआ था, जबकि भरत के दो पुत्र तारकश और पुष्कर, लक्ष्मण के दो पुत्र चित्रांगद और चंद्र केतु, शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। श्री राम ने वैकुंठ धाम गमन से पहले ऐसे सौंपा था राज्य। भगवान राम ने वैकुंठ धाम से पहले भरत का राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु उनके अनुज भरत ने इसे अस्वीकार कर दिया। ऐसे में श्री राम ने दक्षिण कौशल प्रदेश मौजूदा छत्तीसगढ़, कुशथली और अयोध्या का राजा कुश और उत्तर कौशल मौजूदा पंजाब का राजा लव को घोषित किया। लव ने लाहौर को और कुश ने कुशावती को, आज के बिलासपुर जिले को, अपनी राजधानी बनाया। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा। मौजूदा तक्षशिला में तब भरत पुत्र तक्ष और पुष्करावती पेशावर में पुष्कर सत्तारूढ़ हुए। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों अंगद का अंगदपुर और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन और मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु तथा दूसरे पुत्र शत्रुघाती का भेलसा विदिशा में शासन था। गौरतलब है कि मथुरा का नाम पहले शूरसेन था। लव से राघव राजपूतों का हुआ जन्म। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ माना जाता है, जिनमें बड़गुजर, ज्यास और सिकरवारों का वंश चला। वहीं कुश की शाखा सिसोदिया राजपूत वंश की है, जिनमें बैशला और गहलोत वंश के राजा हुए। कुश के वंशज कौन हैं? राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा। कुश से अतिथि, निषधन, नभ, पुंडरीक, क्षेमनधवा, देवानिक, अहनिक, रुरु, पारियात्र, दल, शल, उकत, वज्रनाभ, गण, विश्वसह, हिरण्यनाभ, पुष्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन, अग्रिवर्ण, पद्मवर्ण, शिखरमरु, उदावसु, नंदीवर्धन, सकेतु, देवरात, बृदुकथ, महावीर्य, सुधरती, धृष्टकेतु, हरेव, मरु, देवमीड, विबुध, महाधृति, कृतिरात, महारोमा, स्वर्णरोमा, हरसवरोमा से शिरध्वज का जन्म हुआ। राजा शिरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इससे आगे बढ़ा, जिसमें कृति नाम का राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया। कुशवंश से ही कुशवाह, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना हुई। एक शोधानुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, यानी कि आज से 6500 से 7000 वर्ष पूर्व। शल्य के बाद वह तक्ष, उरक्ष, वतसद्रो, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, भानुरथ, प्रतीताश्व, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, केन्द्राश्रव, अंतरिक्ष, सुशेन, सुमित्र, धर्म, तज्ज, व्रात, रणज्ज, संजय, शाक्य, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसंजित, शूद्रक, कुलक, सुरथ, सुमित्र हुए। ये सभी वंश खुद को शाक्य वंशी कहते हैं। वर्तमान समय में सिसोदिया, कुशवाह, मौर्य, शाक्य, बैशला और गहलोत जो राजपूत वंश हैं, ये सभी भगवान प्रभु श्री राम के वंशज हैं। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग भी राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। भवानी सिंह थे कुश के 309वें वंशज। महारानी पद्मिनी ने कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। इस घराने के इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराजा मान सिंह ने 3 शादियां की थी। मान सिंह की पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी का नाम किशोर कंवर था। मान सिंह ने तीसरी शादी गायत्री देवी से की थी। महाराजा मान सिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ था, लेकिन दोनों का कोई बेटा नहीं, एक बेटी है जिसका नाम दिया है और जिसका विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ है।
दिया के बड़े बेटे का नाम पद्मनाभ सिंह और छोटे बेटे का नाम लक्ष्यराज सिंह है। धर्म परिवर्तन से पहले मुसलमान भी हैं राम के वंशज। राजस्थान में कुछ मुस्लिम समूह कुशवाह वंश से ताल्लुक रखते हैं। मुगल काल में इन सभी को धर्म परिवर्तन करना पड़ा। बावजूद इसके ये सभी आज भी खुद को प्रभु श्री राम का वंशज ही मानते हैं। मेवात में दहंगल गोत्र के लोग भगवान राम के वंशज हैं। शिरकलोत गोत्र के मुस्लिम यदुवंशी माने जाते हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जगहों पर ऐसे कई मुस्लिम गांव या समूह हैं जो राम के वंश से संबंध रखते हैं। डीएनए शोध के अनुसार उत्तर प्रदेश के 65% मुस्लिम ब्राह्मण, बाकी राजपूत, कायस्थ, खत्री, वैश्य और दलित वंश से ताल्लुक रखते हैं। लखनऊ के SGPGI के वैज्ञानिकों ने फ्लोरिडा और स्पेन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किए गए अनुवांशिकी शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था। तो दोस्तों, यह थी भगवान राम के वंशजों से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।